Hi guys, how are you doing? I know all of you love stories, so I'm back again with one more story for you. Do you know why I love these stories? Because they always have lessons, meaning they always teach us something very important. So come, let's learn another important life's lesson. So guys, our today's story is The Loyal Mongoose, Wafadar Nevla. एक बार की बात है, एक किसान था जो अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उस किसान ने एक छोटे से नेवले को देखा जिसकी माँ मर गई थी और उसकी देखभाल करने के लिए उसे घर ले आया। क्या हम इस बेचारे नेवले को रख सकते हैं? हम इसकी अपने बच्चे की तरह देखभाल करेंगे। जरूर, लेकिन यह एक जंगली जानवर है। यह जानवर हमारे बच्चे को चोट पहुंचा सकता है। नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह हमारे बेटे की रक्षा करेगा, ना कि उसे चोट पहुंचाएगा। किसान ने अपनी पत्नी को यह कहते हुए नेवले को रखने के लिए राजी कर लिया कि वह केवल किसान के बच्चे की रक्षा ही करेगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन जब किसान बाहर काम कर रहा था, किसान की पत्नी अपने खेत के जानवरों को खाना खिलाने के लिए बाहर चली गई। वह चिंतित थी कि नेवला उसके बेटे को चोट पहुंचाएगा, क्योंकि उसने उसे नेवले के साथ अकेला छोड़ा हुआ है। फिर एक सांप आया और वह किसान के बेटे की तरफ जाने लगा। जैसे ही सांप बच्चे को काटने वाला था, तभी नेवले ने सांप को काट लिया और उसे मार डाला। किसान की पत्नी को घर में स्वागत करने के लिए नेवला बाहर निकला। वह किसान की पत्नी को दिखाना चाहता था कि उसने उसके बेटे की सांप से रक्षा भी की है। लेकिन जब किसान की पत्नी ने नेवले के मुंह पर खून देखा, तो उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला है। इसलिए उसने नेवले के सिर पर एक नुकीला पत्थर फेंककर नेवले को मार डाला। जब वह घर के अंदर आई, तो उसने मरे हुए सांप को देखा और उसने देखा कि उसका बेटा शांति से सो रहा था। मैंने यह क्या किया? मुझे माफ कर दो छोटे नेवले। उसने महसूस किया कि नेवले ने सच में क्या किया था। नेवले ने उसके बच्चे की जान बचा ली थी। So kids, the moral of the story is think before you act. So, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कुछ भी करने से पहले सोचें। We should always think before we act.